ये हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमें बहुत खुशी होती है कि हम सब लोग मिलजुल के एक समाज चलते रहें और आगे के भविष्य को आगे ही बढ़ाते सके। भाई एक बार परिचय दे दो। जय श्री राम। मैं अपना परिचय, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं गांव का प्रतिपुर का रहने वाला हूँ, पोस्ट मिलावा जिला औरंगाबाद। नरेंद्र ने भाई ने कहा कि देखो ये दिल की आवाज होती है, दिल की आवाज होती है वो बड़ी इमोशनल होती है, अट्रैक्शन करने वाली होती है, ऊर्जात्मक होती है। भाई ने कहा मोरल क्या है उसका, राष्ट्र हिताय परमो धर्मे, जन हिताय परमो धर्मे, राष्ट्र हित सर्वोपरि। और ये काम केवल मोदी ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, बाकी तो बात करते हैं निचली और ऊपरी। मेरे साथ में एक हमारे पंडित जी और जुड़ गए हैं सर, भाई लाल जी से। और सर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। उत्तम कुमार शुक्ला जी, बूथ अध्यक्ष अलीपुर, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा कोसा, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा मंडल कोसा अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्ष है, कौन सा काम बताए? अध्यक्ष अलीपुर, अलीपुर से। तो सर कितने दिन से जुड़ रहे हैं पार्टी से? मैं सर 90 से इस पार्टी में हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी, क्योंकि मैं शिक्षणता संघ का भी कार्य देखता हूँ तो इसमें काम कम देख पाता हूँ, लेकिन अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी से मनोनीत किया है जी, जी। मैं तो 90 से इसमें कार्य कर रहा हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वजन सुखाय की बात करती है, सबका विकास करती है और सबका उत्थान करती है। और तो अपने केवल जात पात की बात करते हैं, कोई भी पार्टी वाले हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी हो, कोई भी, यहाँ जात पात का कोई खेल नहीं है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करेगा वो ऊपर की तरफ बने। गुड। तो देखिए शुक्ला जी ने बताया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भगवान बुद्ध का यदि कोई नारा है उसे सार्थक किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये प्रत्येक सबके सामने हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, पूरे देश के सामने है। यहाँ ना कोई दलित है, ना कोई यहाँ पिछड़ा है, यहाँ हम सब भारतीय हैं और भारत देश हमारा है। मेरे साथ में बनवारी लाल जी, हमारे मंत्री पद के मंडल के मंत्री पद पे सुशोभित हुए, बनवारी लाल जी क्या कहना चाहेंगे? हम इसे पार्टी से जुड़ने से हमें इतना बड़ा हर्ष हुआ है, मुझे ये समझ में आता है कि मैं उसको नया जन्म मिल गया है, नया जन्म हमको आज ही मिला है, क्योंकि जुड़े तो थे लेकिन जोड़ा नहीं था। यस, लोग कुछ हमें दूर दूर रखते थे जी, जी, जी। आज हमारे समझ में ये आया कि मैं आज अपनी माँ के पेट से आज ही जन्म लिया, इस पार्टी में जन्म लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये भाई बनवारी लाल जी ने बताया जगाएंगे कि समाज को तो आगे बढ़ाने का ही मेरा काम है और समाज को आगे बढ़ाते ही जाएंगे, जगाएंगे, जगाते ही तो रहेंगे और जगाते ही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यदि मैं बाबा साहेब डॉक्टर बीआर अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता को भारत रत्न देने की बात कहूं, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस ने सभी जगह इग्नोर किया। धारा 317 हटाने की यदि मैं बात करूं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, बाकी किसी की औकात नहीं हुई। यदि मैं माँ बहनों को 50% आरक्षण मान सम्मान देने की बात कहूं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर 1952 में दिया। दुबे जी, पंडित जी कैसा फील हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कोई पार्टी नहीं है जी, सपा तो एक गैंग है, एक बिरादरी का गैंग है, सपा कोई पार्टी नहीं है जी। अपने को कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार तो बहुत बड़ी बात है, इन्हें 10 सीटें मिल जाए वही बहुत नहीं। इस परिवार को कुर्सी की भूख इतनी है कि चाचा अलग पार्टी बना रहा है, भतीजा अलग बना रहा है, पिताजी अलग बना रहा है, सही बात। और सेम काम कांग्रेस भी कर रही है, सही बात है। इन्होंने देश को काटने का काम किया, देश को बेचने का काम किया, देश को जलाने का काम किया है, सही बात। और भाईचारे खराब करने का काम किया। तो ये दुबे जी को आपने सुना, गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते। गुप्ता जी कैसा फील हो रहा है आज? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मकारिणी पर किस भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से सभी पदाधिकारियों की एक प्रथम बैठक हुई जी, इसमें हम सभी पदाधिकारियों का मिलने का, एक दूसरे से परिचित होने का गौरव प्राप्त हुआ जी। और इसके साथ हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे नए लोगों से मुलाकात हुई और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक रास्ता मिला जी। तो सर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। मैं राजेश कुमार गुप्ता, बाबरपुर हमारी दुकान है जी, राधे राधे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जी जी जी। तो सर ये आपके किसान कार्यकर्ताओं को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आवश्यकता पड़ेगी तो उचित रेट पे देते होंगे आप? हम तो सर वैसे भी पब्लिक को उचित रेट पर ही देते हैं, हाँ हमारा काम ही उचित रेट पर देना है।
चलो गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। भ्राता जी को नमस्कार। जी आज इस मीटिंग में आया हूँ भारतीय किसान मोर्चा के लिए। जी कटिबद्ध हूँ, सबके साथ जुड़ा हूँ और सभी लोग जुड़े रहा है। आज बहुत अच्छा फीलिंग करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। जी और बीजेपी के साथ है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सारी बातें हैं और सब बस ठीक है। इसी के साथ में बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बाबू जी, जी मनोज द्वारे बूथ अध्यक्ष सरायमलिया से। हाँ मनोज तिवारी जी बूथ अध्यक्ष से है। मनोज द्वारे सरायमलिया जी। सरायमलिया जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो यहाँ आया था। हाँ। तो बाद में पता चला कि यहाँ मीटिंग है, तो हमें बड़ा हंस हुआ। हाँ। कि फिर मैं यहाँ रुका, फिर पूरी मीटिंग देखी और अच्छा लगा। और मैं आज से नहीं, बहुत पुराना वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो देखिए दोहरे साहब वरिष्ठ कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश के अपने बूथ लेवल पे। और एक्चुअली में जो असली सेनानी कहा जाता है इलेक्शन जिताने वाला, वो बूथ कर्मचारी बूथ कर्मी ही होता है। 15 साल मोदी, 15 साल योगी, 12 साल मोदी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल योगी जी और 15 साल मोदी जी, 12 में जान दे रही थी। साहब ने कहा 15 साल मोदी, 15 साल योगी, 15 साल मोदी, भाड़ में जाए विरोधी, भाई क्या बात है। सर मैं नरेंद्र सिंह, मंत्री पद मिला, किसान मोर्चा अध्यक्ष, किसान मोर्चा में मंत्री पद मिला हुआ है। मैं किसान मोर्चा को हमेशा आगे के बढ़ने जोड़ता रहूंगा, आगे की बढ़ने की प्रयास बहुत सबसे ज्यादा जनता पार्टी से करता रहूंगा। ये वॉशिंग कर रहे हैं इसको, धो रहे ये पोटास से, पोटास और गर्म पानी से धो रहे हैं। ये माता जी को फोड़ा निकल लिया जाए पैर पे, तो ये अब कुछ दिन में भली चंगी हो जाएगी। ये देखिए सफाई हो रही है, डॉक्टर साहब इसमें सफाई करवा रहे हैं। ये पूरी डॉक्टर की टीम लगी हुई है डॉक्टर साहब की, और ये क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी इसमें शिकायत भी हो रही है, और ये फोड़ा फूटने के बाद में तब इसमें जख्म सा बनेगा, तो फिर इसमें दवाई का लेप किया जाए। ये देखिए ये फोड़ा फूट गया है, बिल्कुल गंदा खून निकल चुका है गौ माता का, और अब इस पर मेडिसिन लगाई जाएगी। बुलावा ना भाई। तो सतीश कुमार जी चौहान साहब और उनके सुपुत्र फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा गौशाला में यहाँ सेवा भाव करते हैं। लगा होता है।